स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर को ठीक है वैसे तो एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो होता है वो एमिट करता है पार्टिकल्स को कुछ एक डेफिनेट डायरेक्शन में लेकिन अलग अलग स्पीड से और हमको चाहिए होता है वो चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से तो वेलोसिटी सिलेक्टर को इसीलिए यूज़ किया जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पीड से हमारे को जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मिल सके तो वेलोसिटी सिलेक्टर में होता क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि किसी सोर्स में से एमिट हो रहे होते हैं उनको पास करवाया जाता है एक ऐसे रीजियन से जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहें और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें और साथ में परपेंडिकुलर रहे जो भी वेलोसिटी है आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स की उससे भी परपेंडिकुलर रहे जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट करी जाती है ताकि जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का और मैग्नेटिक फ़ील्ड की इंटेंसिटी का वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से बराबर हो जिस वेलोसिटी को हमारे को सिलेक्ट करना है ठीक है कुछ इस तरीके से इनका रेशियो जो है वो एडजस्ट किया जाना चाहिए अब यहाँ पे बात आती है कि इस कंडीशन में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है फिजिकल्स टू क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है क्यू भी जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं ठीक है तो ये दोनों ही फोर्स जो हैं पार्टिकल्स पे इस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे इक्वल और अपोजिट हो जाती हैं यानी जो नेट फोर्स है चार्ज पार्टिकल्स पे वो ज़ीरो हो जाती है जिसकी वजह से फोर्स के ज़ीरो होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं वो एज़ इट इज़ रह जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड ठीक तो आ, मान के चलें कि हमारे पास एक बीम है चार्ज पार्टिकल्स का ये एक चार्ज पार्टिकल्स की बीम है हमारे पास चार्ज क्यू है मास है इनका और ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ठीक है इस बीम को हमने पास करवाया एक रीजियन से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है चार्ज क्यू पे एफ इज इक्वल टू वो होगा आपका क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से और वो वाई डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जैसा हमने कहा कि एफ इज टू क्यू वी बी होगा ठीक है जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव करेगा आप लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा करके ये देख सकते हैं अब अगर चार्ज पार्टिकल जो हैं जिनकी वेलोसिटी आ, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी है आपकी वी ठीक है ये वेलोसिटी है आपके चार्ज पार्टिकल्स की तो फिर ये अनडिफ़्लेक्टेड होंगी इसका मतलब जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का वो एक दूसरे के बराबर होंगे तो क्यू ई इज़ इक्वल टू क्यू वी बी होगा या वी इज ईक्व टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ई अपॉन बी के बराबर तो जो पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी से ज़्यादा होगी ग्रेटर होगी वो डिफ़्लेक्ट हो जाएंगे लॉरेंस फोर्स वाले डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे जबकि जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी से कम होगी लेस होगी वो डिफ़्लेक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स वाले डायरेक्शन में तो जो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी होगी वो सीधा सीधा ट्रैवल करेंगे या स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ में एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के तो हम वैल्यू ई और बी की एडजस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को हमको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है तो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए ये फिगर है हमारे पास और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बीम है चार्ज पार्टिकल्स की स्लिट एस वन से बीम आ रही है चार्ज पार्टिकल्स की उसको पास करवाया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ, से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से ठीक है परपर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अपोज डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया गया है पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से जैसे हम प्रोड्यूस करवाते हैं प्लस माइनस ठीक है तो यहाँ पे आ, जो इंटेंसिटी है ये फील्ड की इनको एडजस्ट की जाती है कि डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको एक फील्ड दूसरे फील्ड को बैलेंस करे या कैंसिल आउट कर दे और उसके हिसाब से फिर वो ज़्यादा है कि कम है उसका रेशियो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जो पार्टिकल है कौन सी वेलोसिटी की वो कहाँ से, से क्रॉस होगी या डिफ्लेक्ट होगी कि नहीं डिफ्लेक्ट होगी उसके बाद वो एस तो टू से पास होगी जबकि जो डिफ़्लेक्ट होंगी जो डिफ्लेक्टेड होंगी वो, वो साइड से निकल जाएंगी साइड से डिफ्लेक्ट होंगी जो स्ट्रेट जाएंगी वो यहाँ से एस टू से पास हो जाएंगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें कोई भी डाउट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू